समाजवादी पार्टी का तालिबानी सोच को समर्थन और आतंक को प्रश्रय देना कोई नई बात नहीं है। न सिर्फ इनके सांसद विधायक तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, आतंकी गतिविधियों में शामिल गुनहगारों के समर्थन में भी आते हैं। नेता तो नेता, रामपुर के आतंकी हमले में संलिप्त आतंकियों के समर्थन में तो पूरी समाजवादी सरकार ही उतर आई थी। 31 दिसंबर 2007 की रात को सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 7 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जिन आतंकियों का नाम सामने आया उनमें शरीफ रामपुर से, शहाबुद्दीन मधुबनी से और बाबा मुरादाबाद से था। 2 आतंकी इमरान और मोहम्मद फारूक पाकिस्तान से थे। सरकार को यूं तो गुनाह साबित करने में 12 साल लग गए, पर आतंकियों की पैरोकार सपा सरकार बेचैन थी। कैसे इन पकड़े गए आतंकियों को बचाया जाए और वोट बैंक बढ़ाया जाए। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लगाई अखिलेश सरकार को फटकार तो खुल गई पोल। आतंकियों को बचाने के लिए समाजवादी सरकार ने एक देशद्रोही कदम उठाया, जिसमें अदालत से अपील की गई कि 15 आतंकियों से केस वापस लिए जाएं, जिसमें से 5 वो आतंकी थे जिन्होंने रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर जवानों को मार डाला था। ऐसी घटिया राजनीति पर टिप्पणी करते हुए आर के अग्रवाल और आरएसआर मौर्या की बेंच ने अखिलेश को लताड़ते हुए कहा था, तुम आज इन आतंकियों के ऊपर से केस वापसी की बात कर रहे हो, कल तुम इन्हें पद्मभूषण दोगे। इन्हीं कारनामों को देखकर तो यूपी की जनता कहती है, नहीं चाहिए आतंकियों के पैरोकार, नहीं आएगी कभी सपा सरकार।